और आदिवासियों का बहुत पुराना रिश्ता है, गहरा रिश्ता है। आपका जो इतिहास है उसकी हम रक्षा करते हैं, हम जो आपकी हिस्ट्री है, आपका इतिहास है, उसको मिटाना दबाना नहीं चाहते हैं। जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, आपके लिए, आदिवासियों के लिए आपकी जमीन, जंगल, जल की रक्षा करने के लिए हम कानून लाए थे, ऐतिहासिक कानून, पैसा कानून, जमीन अधिकरण बिल, इन कानून के माध्यम से हमने जो आपका धन है, जंगल में जो प्रोड्यूस है उसकी रक्षा की और इसका फायदा आदिवासियों को दिलवाया। दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो कहती है कि सबको जोड़कर चलना है, सबकी इज्जत करनी है, सबका इतिहास, सबकी संस्कृति की रक्षा करनी है, यह कांग्रेस पार्टी कहती है, और दूसरी तरफ बीजेपी जो बांटने का काम करती है, कुचलने दबाने का काम करती है, और जो आदिवासियों का जो इतिहास है, संस्कृति है, उसको दबाने और मिटाने के काम करती है। यह लड़ाई हिंदुस्तान में आज चल रही है, हम जोड़ने का काम करते हैं, वो बांटने का काम करते हैं, हम कमजोर लोगों की मदद करते हैं, वो सबसे बड़े चुने हुए उद्योगपतियों की मदद करते हैं। आज हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की हालत आप सबको मालूम है, हर युवा जानता है कि आज हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है, महंगाई आप सबको दिखती है, बढ़ती जा रही है, मगर मुझे काफी खुशी है कि राजस्थान की सरकार गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए काम कर रही है। यहां पे 132 करोड़ रुपए का पुल बनाया, इससे आप सबको फायदा होगा। पूरे देश में स्वास्थ्य के मामले में राजस्थान सब प्रदेशों से आगे है। यहां पे 10 लाख रुपए तक फ्री में इलाज होता है। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में चले जाइए और वहां पूछिए, किसी भी प्रदेश में स्वास्थ्य के लिए इतना पैसा गरीबों को नहीं दिया जाता है। आज गहलोत जी मुझे कह रहे थे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल से आदिवासियों को, गरीबों को जबरदस्त फायदा होता है कहीं।